गुड मॉर्निंग ग्रेड सिक्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 3A पार्ट सी. यहाँ पे y प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, 3y² प्लस 2y² प्लस माइनस 6y, और 6y जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 12y. बाकी एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया. अब वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी और y वाली मैंने इकट्ठी रख ली हैं, ये आपस में सॉल्व होंगी तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा. सेम इसी तरह से डी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 10x, और बाकी सारा जो है स्टेटमेंट जो ये एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगी. अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया और एक्स और एक्स के कंबाइन करके राइट कर लिया, 5x² में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो ये 4x² होगा, माइनस प्लस माइनस 10 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 9x. ठीक है, इसी तरह से एफ पार्ट है. एफ पार्ट में आपके पास ये जो माइनस है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये अंदर जो सारे जो साइंस हैं उनको चेंज कर देगा, साइंस चेंज हो गए. प्लस 2y² माइनस 2 3 6y, प्लस माइनस माइनस 2 1 2. अब इसी तरह से यहाँ पे तीन फैमिलीज हैं, वाई स्क्वायर, वाई और कांस्टेंट, आपस में उनको इकट्ठे सॉल्व कर दिया और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया. इसको मैंने अरेंज करके सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई वाली और फिर कांस्टेंट टर्म को रख के अरेंज कर दिया. अब इसका जो ई पार्ट है दैट विल बी योर होमवर्क, वो आपने खुद करना है. जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो मुझे डिस्कस कर लेनी है. थैंक यू.